कि स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री वी आर कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड आप अकाउंट खोलना चाहें एवरी थिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड कोई कंपनी लिस्ट होती है वो फुली डॉक्यूमेंटेड होती है um, जो ट्रेडिंग होती है इज़ ऑल फुल डॉक्यूमेंटेड इतनी ज़्यादा हमारी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम लोग ख़ुद कैपिटल गेंस टैक्स कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट की तजूरी में डाल देते हैं एंड देर कैन बी नो डिस्प्यूट अबाउट दैट बिकॉज ऑल द ट्रेड्स आर इलेक्ट्रॉनिक सो बाय सेल एवरी थिंग इज़ कैन बी ऑडिटेड इन इंट्रैक्ट तो आर प्ली टू द गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेन कि योर टैक्स पॉलिसीज शुड बी इंकरेजिंग कैपिटल फ्लोज इं टू द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स ऑफ द इकानोमी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमने इकानमी को डॉक्यूमेंट करना है और टैक्स बेस को बढ़ाना है रादर देन योर टैक्स पॉलिसीज़ पुशिंग इन्वेस्टर्स एंड कैपिटल फ्लोज इन टू लेस डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स ऑफ द इकोमी तो डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर बहुत अन एकवल प्लेंग फील्ड थी टैक्स वाइज भी और एम एल रिक्वायरमेंट्स के वाइज भी आप कैश में जाके रियल इस्टेट भी ख़रीद सकते हैं आप गवर्नमेंट की अपनी नेशनल सेविंग स्कीम्स खरीद सकते हैं आप यहाँ पर किसी ब्रोकर को जाके कैश देने की कोशिश करें ही विल नॉट इवन एंटरटेन यू राइट सो सिमिलरली टैक्स रियल इस्टेट के ऊपर तीन साल के बाद होल्डिंग पीरियड के बाद उनका टैक्स ख़त्म हो जाता था कैपिटल गेंस टैक्स सिक्योरिटीज़ के ऊपर शेयर्स के ऊपर जो पहले इसी तरह था कि जब ओरिजिनली कैपिटल गेंस टैक्स लगाया गया था कि आफ्टर सर्टन होल्डिंग पीरियड डिक्लाइनिंग उसमें था और फिर दे वॉज नो टैक्स ये कुछ साल पहले उन्होंने परमानेंट कर दिया था होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया था तो ऑबियसली यू आर इनक्रेजिंग फ्लोज इन टू एसेड क्लासेज विच आर नॉट प्रोडक्टिव आप एक प्लॉट ऑफ लैंड लेकर रख लें और उसको तीन चार साल के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा आप एक कंपनी का प्रोडक्टिव शेयर खरीदें और दस साल के बाद भी आपको उस पर टैक्स लग रहा है So, is this budget se pehle with the FBR chair and the finance minister, we had a clear agreement that the tax treatment for different asset class will be made equal. Uh, and that is what was agreed and that is what the, they, they committed. And that is what was in the finance bill as well. When act have eight there somehow mysteriously aagi which change this whole thing. Um, so, we have taken it up very strongly with the FBR chair and the finance minister. एंड दे हैव अंडरस्टुड कि ये कैसे हुई मिस्टेक क्या हुआ आई डोंट नो मगर दे हैव सेट कि दे विल रेक्टिफाईट इन द कमिंग यू नो जब भी नेक्स्ट जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अंदर इसको रेक्टिफाई करेंगे ताकि जो होल्डिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिस तरह रियल इस्टेट पर है उसी तरह uh, शेयर्स के ऊपर भी हो